वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, कितनी बार देखना है देखो, आपका बोर नहीं होगे, मजा ही मजा आने वाला है दोस्तों। डेफिनेटली फटाफट घर से उठो और थिएटर में जाओ, पिक्चर देखो, घर बैठ के पायरेटेड मत देखो यार। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कोठारी और आपका स्वागत है सिनेमा धमाका में। फटाफट करें इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अमेजिंग कंटेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं रिव्यू। तो दोस्तों हम बात करते हैं कंतारा मूवी के बारे में, जो कि एक रहस्यमय जंगल है और वहां के जो एक गांव है कुंदपुरा करके नाम है, वहां के जो राजा है उन्होंने अपने लोगों को अपनी जगह भेंट की थी ताकि वो अपना घर और मंदिर बना सके। फिल्म की मैं आगे चलते हुए हम बात करेंगे शिवा जो कि कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, जो ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया इस कैरेक्टर को, और जो कि राइटर भी है और डायरेक्टर भी है साथ साथ में। डेफिनेटली शिवा जो कि फिल्म के अंदर बहुत ही सुपर एक्टिंग किए उन्होंने और अमेजिंग, बहुत ही मजा आया। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी ने ऑडियंस को एकदम पकड़ के रखा है एंड इट इज वेरी फ्रेशली मेड स्टोरी। बहुत ही अलग स्टोरी है इंडियन कल्चर के जो बारे में बताती है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। पता चलता है कि इंडियन कल्चर जो है हमारा है, साउथ का जो कल्चर है, वहां के जो देवी देवताओं की तरह के जो श्रृंगार करते हैं और इसी तरीके के अंदर ये वैसे तो ये हर किसी के अंदर नहीं आता, पर जब वो नाच गाना प्रदर्शन करते हैं और अलग तरीके से कला करते हैं, धीरे धीरे अंदर किस तरह से भगवान की आत्मा आ जाती है अंदर, किसी को पता नहीं चलता। बट उसके बाद में जो जिस तरह से हमें पता चलता है कि डेफिनेटली ये कल्चर है हमारा, और वहां का जो कबीला करके है जो कि भैंसों की रेस होती है, वो भी हमें पता चलता है कि डेफिनेटली देखने को बहुत ही मजा आया उस फिल्म के अंदर। और पता चला कि किस तरह से रेस होती है, बहुत वहां का कल्चर इस वाज रियली अमेजिंग, मैं क्या ही बताऊं। पर जैसे जैसे इंटरवल के बाद में जो धीरे धीरे बीच में दो एक गांव के बीच, और जो वहां का एमएलए जो जमीन हड़पना चाहता था गांव के जो फॉरेस्ट एरिया का, जो वहां के जो लोग थे उनके बीच में जो झगड़ा हुआ, शिवा जो कि ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही अच्छा फाइट किया उनको, ओ माय गॉड, जो लास्ट के जो 10 मिनट्स थे शिवा करके जो ऋषभ शेट्टी ने कैरेक्टर निभाया है, डेफिनेटली बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जो कि उनके अंदर जो भूत कला जो कि पंजुरली देवी करके देवता जी आए थे उनके अंदर, और आत्मा कैसी आई, बाप रे, मेरे तो घूस बम। पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहिए था कि मतलब ओ माय गॉड, मैं तो बता नहीं पा रहा हूं, मतलब इतने मतलब मैं दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं अगर मैं म्यूजिक की बात करूं जो कि अग्नेश लोकनाथ जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर अमेजिंग, बहुत ही मजा आया म्यूजिक सुनकर। एक म्यूजिक जो सुनने को जो मौका मिल रहा था वहां पे, ओ माय गॉड, थिएटर में डेफिनेटली इज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। गाइस मैं तो बोलता हूं कि बॉलीवुड कम ऑन विद अ वेरी गुड फिल्म स्क्रिप्ट, ऐसा स्क्रिप्ट लेके आई है, ऐसा फिल्म हमें दिखाई है ताकि हमें कल्चर भी देखने मिले, और ट्राइबल पीपल जो विलेज के एरिया में हम लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं, हमारी जो पुरानी यादें जो होती है ना बहुत कुछ भूल चुके हैं। बट थैंक यू वेरी मच KGF मेकर ने जो ये फिल्म को बनाया है, एंड अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं अगर एक्शन सीक्वेंस की बात करूं जो कि कोरियोग्राफ किया है विक्रम मोरे जी ने, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है एक्शन सीक्वेंस के, वाव अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस देखने मिला इसके अंदर, ओ माय गॉड, डेफिनेटली गाइस यू शुड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज ऐसे फिल्में लाखों में एक बार बनती है यार, आपको देखना जरूरी है पिक्चर, जाओ जल्दी फटाफट जाओ। अमेजिंग स्क्रीन प्ले बहुत ही जबरदस्त है, कास्टिंग तो बहुत ही अच्छे तरीके से कास्ट किया, हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर्स इन्होंने कास्ट किए हैं जंगल के जो ट्राइबल पीपल में, वाओ अमेजिंग अमेजिंग, डेफिनेटली डिन अ ग्रेट जॉब। मगर मैं फिल्म की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 में से मैं 5 ही दूंगा, क्योंकि भाई ये फिल्म तो जबरदस्त है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कितनी बार देखना है देखो, आपका बोर नहीं होगे, मजा ही मजा आने वाला है दोस्तों। डेफिनेटली फटाफट घर से उठो और थिएटर में जाओ, पिक्चर देखो, घर बैठ के पायरेटेड मत देखो यार, जल्दी जल्दी जाओ। दोस्तों वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और भी रिव्यू देखने मिलेंगे, है ना। तो चलो बाय गाइज।